तो देखो पहला क्वेश्चन है केन पीड़ित है, वैभव है, वही रागत है। केन यानी किससे, पीड़ित यानी पीड़ित, वैभव यानी वैभव, बाहिर यानी बाहर, आगत यानी आता है, यानी किससे पीड़ित वैभव बाहर आता है। तो किससे पीड़ित होकर वैभव बाहर आता है, आतपे यानी ताप से, गर्मी से पीड़ित होकर वैभव बाहर आता है। तो आपको केन को अंडरलाइन करके उसकी जगह आपको क्या लिखना है, आतपे। नेक्स्ट है भवने इत्यादि नाम निर्माणाय के कृतेन्ते, भवन आदि निर्माण के लिए क्या कार्य किए जाते हैं। तो भवन मतलब कौन से कार्य किया जाता है, यानी वृक्षों को काटा जाता है। तो यहाँ पर हम के को अंडरलाइन करेंगे और के को अंडरलाइन कर या वहाँ लिखेंगे वृक्षा, यानी भवनों के निर्माण के लिए वृक्षों काटने का, वृक्ष काटने का कार्य किया जाता है। हेड वाला है मार्गे किं दृष्ट्वा बालाः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति, मार्ग में क्या देखकर, मार्ग में क्या देखकर बालक आपस में बातचीत करते हैं। तो किं दृष्ट्वा, किं को अंडरलाइन करनी है और किं की जगह आ जाएगा अवकरम, यानी बालक रास्ते में कूड़े को देखकर आपस में बातचीत करते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन है वयम् शिक्षिताः अपि कथम् आचरामः, वयम् यानी हम, शिक्षित यानी पढ़े लिखे, शिक्षित भी, कथम यानी किसकी तरह, आचरामः यानी आचरण करते हैं, यानी हम शिक्षित भी किसकी तरह आचरण करते हैं। तो कथम को अंडरलाइन करो और कथम की जगह आ जाएगा अशिक्षिताः, यानी अशिक्षितों की तरह हम भी आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लय अभावात् कस्य कृते महती क्षति भवति, प्लास्टिकस्य यानी प्लास्टिक के मृत्तिकायां यानी मिट्टी में लय यानी विलीन होने के अभावात्, अभाव से, कस्य यानी किसको, कृते ने के लिए, किसके लिए, महती यानी महान, क्षति यानी नुकसान, भवति यानी होता है, यानी पर्यावरण मतलब ये जो प्लास्टिक है वो मिट्टी में नहीं मिलने के कारण किसको महान क्षति होती है, तो पर्यावरण से। तो कस्य को अंडरलाइन करो, कस्य की जगह आ जाएगा पर्यावरण से। नेक्स्ट है अग्रे निदाघ ताप तप्त से किम शुष्कताम यातु, याति आज गर्मी के ताप से पीड़ित, गर्मी के ताप से पीड़ित क्या सूख रहा है। तो किम को अंडरलाइन करो और किम की जगह आ जाएगा तालु अर्थात तलवा, आज बहुत तेज गर्मी से तालु भी सूख रहा है, तलवा सूख रहा है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य में उत्तराणि लिखत, पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यह है सेकंड वाला, सेकंड में है कहता, पूर्ण वाक्य यानी पूरे वाक्य में उत्तर वाला है। परमिंदरम गृहात् बहिरागतं किं पश्यति, परमिंदर घर से क्या देखता है। तो परमिंदर घर से बाहर आकर क्या देखता है, तो लिखो परमिंदर गृहात् बही आगते, परमिंदर गृहात् बही आगते, घर से बाहर आकर पश्यति देखता है।
पश्यति यत् कि यानी घर से बाहर आकर देखता है तो हवा भी रुकी हुई है अर्थात वायु वेग है यस यस मैम है का है अस्माभि के साम निर्माणाय वृक्षाः क्रियन्ते हम भी किसके निर्माण के लिए वृक्षों को काटते हैं तो आ जाएगा के साम मैम उस साइड का दिख रहा नहीं है मैम उस साइड का दिख रहा नहीं है रोशनी पड़ रही है ऊपरी गमित सेतु नाम चय निर्माणाय वदति यते मार्गे यते मार्गे अवकरस्य क्षेपणम् अवकरस्य क्षेपणम् अवकरस्य क्षेपणम्
देखो परमिंदर घर से बाहर आकर देखता है कि वायु का वेग भी छुपा हुआ है। ओके हमें है अस्मा भी बनाना हमारे गांवों के निर्माण के लिए हम मारवाड़ा मारवाड़ विकल्प बार से हम भवनों के लिए यानी अस्मा भी बनाना यानी हम भी भवन मारक हम भी भवन मारक विगत मारक ऊपर से जाने वाले यानी पुल वाला तो ऊपरी सेतु सेतु यानी पुल के निर्माण के लिए वृक्षों को काटते हैं। विनय संगीता को बाहर बुलाकर क्या कहता है तो विनय संगीता आगे विनय संगीता को बुलाकर बदती यानी कहता है यदि यानी कि मार के अवतरण मार्ग में मैम आवाज ही नहीं आ रही आपकी। रोजनी आगती रोजनी आकर क्या करती है तो रोजनी आकर क्या करती है यानी अपने द्वारा फेंका हुआ कचरा तो उठाती ही उठाती है और भी सड़क के इधर उधर बिखरा हुआ कचरा को बिखरे हुए कचरे को इकट्ठा करके बंद ढक्कन वाले डस्टबिन में अर्थात कचरा दान में उस कचरे को डालती है। तो लिखो रोजलिन आगते रोजलिन आगते आगते बालय सह रोजलिन आगते बालय अवकर कंडोले पावयती यानी गिराती है अवकर कंडोले पावयती यानी रोजनी आकर यानी बालकों के साथ अपना फेंका हुआ कूड़ा मार्ग में बिखरा हुआ कूड़ा तथा अन्य कूड़े को इकट्ठा करके कूड़ेदान में पावयती यानी डालती बिखरा हुआ कूड़ा और अन्य कूड़ा भी किसमें डालती है कूड़ादान में डालती है। अब आगे है अंते जोसेफ है पर्यावरण आए पर्यावरण रक्षाए कह उपाय बोलते थी अंते यानी अंत में जोसेफ है यानी जोसेफ पर्यावरण रक्षाए यानी पर्यावरण की रक्षा कह यानी क्या उपाय यानी उपाय बोध रहती यानी बताता है जो से अंत में
यस मैम। जोसेफ अंत में पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या उपाय बताता है? तो जोसेफ अंते जोसेफ है, लिखो अंते जोसेफ है, अंते जोसेफ है पर्यावरण इदम उपाय बोधयति। पितरौ शिक्षकाणां शिक्षकाणां सहयोगे सहयोगे शास्त्रस्य प्लास्टिकस्य विविधपक्षा प्लास्टिकस्य विविधपक्षा उच्चारणीय अब देखो रेखांकित पद्धति से इसलिए कहता है कि अंत में जोसेफ की रक्षा का यह उपाय बताता है कि हमको भी माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्ष पर विचारणीय यानी विचार करने चाहिए, यानी प्लास्टिक के विविध पक्षों पर हमें भी विचार करने चाहिए। थर्ड का क्वेश्चन है रसल निर्माण करना। जागरूकता तो जागरूकता के नीचे अंडरलाइन है तो यहाँ आ जाएगा कया, जागरूकता की जगह क्या आ जाएगा कया आ जाएगा। और आप आगे पीछे का यू लिख लोगे ना अंकित। यस मैम। और आगे वो लिखने के बाद आगे आप क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर लगाओगे है ना, ताकि ये हो जाए कि क्वेश्चन है ना। अब देखो अगले में है वायु वेग है सर्वथा अवरुद्ध है आसीत। वायु वेग हमेशा रुका हुआ है तो क्या रुका हुआ है तो क्या लिखोगे? सॉरी खैका लिखो ढेलो साफ फल नाम आवरण इस प्लास्टिक सूतम अभी खाद्य जिसमें गाय साफ फल और उसके छिल
बाजे वाला क्वेश्चन है, अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्राय प्राप्स्यति। आज प्लास्टिक से बनी हुई वस्तु लगभग प्राप्त हो रही है, तो वस्तूनि, वस्तूनि यानी क्या प्राप्त हो रही है, किससे बनी हुई, तो यहाँ पर आ जाएगा पानी। क्या आ जाएगा? पानी। क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया, आ जाएगा। अब आगे है, सर्वे नदी तीरम प्राप्त प्रसन्ना भवती। सभी नदी के तट पर जाकर क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। तो नदी कहाँ जाकर, तो यहाँ क्या आ जाएगा? कम। सर्वे पुत्र क्या प्राप्त करके, नदी के तट को प्राप्त करके, तो हो जाएगा यहाँ पर सिक्स में आ जाएगा कम। तो ये हमारा थर्ड का क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो चुका है। आगे है, संधि विच्छेदम पूरे, संधि विच्छेद को पूरा करना है। तो ओके स्टूडेंट्स,